बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम रोडी आप देख रहे हैं सुकर बेडगार्ड पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार गिर चुकी है। अभी आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार नहीं है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच 26 तारीख को यहां पर आपको बता दें जो राज्यसभा के चुनाव भी है वो मध्य प्रदेश में होने। पार्टी की सरकार गिरने के बाद आपको बता दें कि अब कमलनाथ की सरकार हो या कांग्रेस जो पार्टी है मध्य प्रदेश में, उसको अपने जो राज्यसभा की सीटें हैं उनको बचाने के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कत अब करनी पड़ रही है। आपको बता दें लगभग एक सीट है वो राज्यसभा की दिग्विजय सिंह वाली, वो सीधी सीधी कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, लेकिन बाकी सीटों पर उसके लिए काफी ज्यादा चुनौती रह सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, उनका पता नहीं है कि वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि वो कई बार बीजेपी के खेमे में जाते दिखाई दे चुके हैं। लेकिन उधर आपको बता दें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव ने अपने नेता को निर्देशित किया, बाकी वो किसको राज्यसभा में वोट देता है ये कहना मुश्किल है। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जो दो विधायक है मध्य प्रदेश में, संजय कुशवाहा और आपको बता दें कि रामबाबाई पथेरिया, तो उनको अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है पार्टी की तरफ से कि आपको किसको समर्थन देना है। वही आपको बता दें कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट था उस दिन भी संगठन की तरफ से यही जानकारी दी गई थी कि हम किसी की तरफ भी भाग नहीं लेंगे। तो हो सकता है कि राज्यसभा वाले दिन भी ये दोनों नेता या तो पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस के अलावा बीजेपी की तरफ वोट दे सकते हैं, या फिर जो फ्लोर टेस्ट है उसके अंदर भाग भी नहीं ले सकते। दूसरी आपको बता दें कि यह भी हो सकता है कि एन वक्त के ऊपर फैसला लिया जाए। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर जब एन बैच थे तो उनके भी एन वक्त पर फैसला लिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि उस समय एन मैच के बारे में जब उन्होंने पार्टी ने एन वक्त पर फैसला लिया था ट्विटर के माध्यम से लिया था, तो उन तक पहुंच नहीं पाया। उसके बाद आपको बता दें उन्हें पार्टी से बाहर भी जाना पड़ा था। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ। अब तक आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।